हमारी खूबसूरती में चार चांद सिर्फ हमारा चेहरा ही नहीं लगाता है, बल्कि हमारे मोतियों से चमकते दांत और हल्के गुलाबी मसूड़े भी हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दांत और मसूड़े बहुत काले और भद्दे से नजर आते हैं। स्वस्थ मसूड़े वही कहलाते हैं जिनमें से खून ना निकले, दांतों से मसूड़े अलग ना हो और रंग भी लाल या गुलाबी हो। कई बार मसूड़ों का रंग काला या हल्के ग्रे रंग का सा हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मसूड़ों से संबंधित कोई रोग हो। अगर दांत पीले हो जाए तो लोगों का ध्यान फटाफट उन पर चला जाता है, लेकिन मसूड़ों के कालेपन पर लोगों की नजर देर से जाती है और लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। सामान्य तौर पर मसूड़ों का रंग गुलाबी या लाल होता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे मसूड़े काले हो जाते हैं। इसके कारण ना सिर्फ हंसते समय शर्मिंदगी का एहसास होता है, बल्कि ये कई बीमारियों का घर भी है। ऐसे में आज हम आपको मसूड़ों के काले होने के कारण बताएंगे और साथ ही इनसे निपटने का तरीका भी बताएंगे। जानिए मसूड़ों के काले होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मसूड़े काले होने के कारणों में से एक कारण है शरीर में मेलानिन अधिक होने से मसूड़े काले हो सकते हैं। मेलानिन त्वचा के रंग को गहरा बनाता है। जिन लोगों की त्वचा अधिक सांवली होती है तो उनके मसूड़े भी हल्के काले होते हैं। ये नेचुरल है, किसी समस्या का लक्षण नहीं है। यदि आपका रंग साफ है फिर भी मसूड़े काले हो गए हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दूसरा कारण है, यदि आप किसी दवा का सेवन लगातार कर रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होने से मसूड़ों का रंग धीरे धीरे काला होने लगता है। स्ट्रेस डिप्रेशन की दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस नामक मसूड़ों की बीमारी होने से भी गम या मसूड़े काले हो जाते हैं। अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिससे मसूड़ों में दर्द, सांसों में दुर्गंध, मसूड़ों से खून आने के लक्षण नजर आते हैं। इसे लाइलाज छोड़ने से मसूड़ों के टिश्यूज प्रभावित होते हैं जिससे मसूड़ों का रंग काला हो जाता है। स्मोकिंग करने से भी मसूड़े काले होते हैं। मसूड़ों के साथ ही सिगरेट में मौजूद हानिकारक तत्व दांतों को भी धब्बेदार बनाते हैं। धूम्रपान के सेहत पर कई अन्य साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो लोग अधिक स्मोकिंग करते हैं उनमें फेफड़े का कैंसर, सांस संबंधी रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों के होने से खतरा बढ़ जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग अधिक सिगरेट पीते हैं उनके होंठ, दांत और मसूड़े सब धब्बेदार और काले नजर आते हैं। अधिक मीठा खाना, बिगड़ा लाइफस्टाइल, ओरल हेल्थ केयर ना करना, जेनेटिक और मेडिकल स्थितियों की वजह से भी मसूड़े काले हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक मीठा खाने से भी ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से मसूड़ों का रंग काला हो जाता है। अब जानते हैं कि इनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। मसूड़ों के कालेपन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा एक बेहतर विकल्प है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा अपने खास गुणों के लिए एक औषधि मानी जाती है। ये हर घर में आसानी से मिल जाने वाली खाद्य सामग्री है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा सिर से लेकर पांव तक की खूबसूरती को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो एक औषधि का काम करती है। दांतों को साफ करना हो या फिर मसूड़ों के कालेपन को दूर करना हो, बेकिंग सोडा एक नेचुरल औषधि है। दांतों में ब्रश करने के बाद बेकिंग सोडा से कुल्ला करें। इसके लिए आप बेकिंग पाउडर ले लीजिए। एक गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए, उसे अच्छे से मिला लीजिए। ब्रश करने के बाद इससे अपने दांतों को कुल्ला कीजिए। कुछ ही समय में आपके मसूड़ों का रंग साफ होने लगेगा। आप बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा लेकर उसमें एक चम्मच पानी डालिए और एक पेस्ट बना लीजिए। अब उंगली की मदद से इस पेस्ट को अपने मसूड़ों पर लगाइए और हल्के हाथ से मालिश करें। 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से मालिश करें, उसके बाद कुल्ला कर लें। 1 से 2 बार लगाने पर ही आपके मसूड़ों का कालापन दूर हो जाएगा। रात को सोने से पहले कुल्ला करके जरूर सोएं। आहार में विटामिन डी लेने से मसूड़ों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। कॉटन की मदद से मसूड़ों पर लौंग का तेल लगाएं, इससे दर्द दूर होगा और कालापन भी दूर होता है। चलिए एक तरीका और बताते हैं आपको मसूड़ों का कालापन दूर करने के लिए। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हम लेंगे नारियल तेल और गुलाब जल। ये दोनों ही एक प्राकृतिक औषधि है जो हमारी त्वचा की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक है। सबसे पहले एक कटोरी में हम 1 चम्मच नारियल का तेल लेंगे और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला देंगे। इन्हें अच्छे से मिलाएं।
जब ये मिल जाए तो उंगली की मदद से इन्हें अपने मसूड़ों पर हल्का दबाव देते हुए मसाज करें। इसके लिए आप टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथब्रश कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए ताकि मसूड़ों से खून ना आए। अच्छे से मसाज करने के बाद साफ पानी से अपना मुंह धो लें। इस नुस्खे को दिन में एक बार करने से ही आपको काफी फर्क महसूस होने लगेगा। नारियल तेल मुंह में जमे बैक्टीरिया को खत्म करता है और गुलाब जल आपके मसूड़ों को गुलाबी और चमकदार बनाने के साथ साथ मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है और खून के संचार को भी ठीक करता है, जिससे आपके मसूड़े जल्दी ही गुलाबी और चमकदार हो जाते हैं। एक साथ ज्यादा पानी पीने की आदत डाल लें। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिए। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जिससे आप अपने काले मसूड़ों को फिर से हल्का गुलाबी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।